वाले से मैं ज़्यादा सवाल करता हूँ, मुझे खत्म हो जाए नहीं। थोड़ी थोड़ी की हो मुझे देखते हो, सीखने आए हो ना, चेहरा तो देखो तब ना सीखोगे। तुम अपने पैर से देखो, मेरे तरफ देखो तब ना सीखोगे। तुम लोग अपने पैर को देख रहे हो, पैर तो कुछ हुआ था ही तुम लोग का। है कि नहीं? नीचे मत, कभी भी नीचे नहीं देखना, नीचे देखने वाला आदमी खतरनाक होता है। अपने आप के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने आप के लिए। आप नीचे देखेंगे तो सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाले के बोलने का एक्सप्रेशन क्या है, उनका हाव भाव क्या है, ये आप नहीं समझना, खाली आवाज समझ। रेडियो पर गाना सुनना अच्छा लगता है? सही बात है। वीडियो देखना कितना अच्छा लगता है? वीडियो जो देखते हैं गाना अच्छा लगता है ना, क्यों देखते हैं? कैसा कपड़ा पहन रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे डांस कर रहा है, ये सब देखते हैं ना। रेडियो भी इसलिए नहीं सुनते हम लोग, तो सामने वाला क्या पढ़ा रहा है तो सामने देखना होगा ना। अब नीचे देखिए तो ज़्यादा पूछेंगे। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर को नापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट जानते हो? जीबी जानते हो? जीबी क्या होता है? मेमोरी। जीबी मेमोरी होता है जी। जीबी मतलब गीगाबाइट, मेमोरी का साइज हुआ, ठीक है। उसी तरह जिस तरह से मेमोरी को नापने के लिए गीगाबाइट का यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से उसका सबसे छोटा रूप भी तो होगा। जिस तरह किलोग्राम का ग्राम होगा तो गीगाबाइट का भी तो कुछ होगा। कौन बाइट बराबर? वो तो ठीक है, लेकिन जीरो और वन को बोलते क्या है? बीट बोलते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर के मेमोरी को नापने की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। बीट, बी आई टी, बीट। वो जीरो या एक के रूप में आए। हम लोग अपने भाषा में बी कैसे लिखते हैं वो लिख के दिखाओ। हम कैसे लिखोगे वो कैसे लिखते हो? सब तुम्हें नहीं है, एक दो तीन लिखते हो ना, लेकिन लिखो अंक तुम्हें नहीं। हाँ ना, दो लिखते हैं ऐसे, लेकिन कंप्यूटर भाषा कैसे लिखेंगे? कंप्यूटर की भाषा में होगा एक जीरो, दस लिखो तो वो दो हो जाए। दस लिखोगे ना तो वो कंप्यूटर की भाषा में दो होगा। तीन जो लिखते हैं कंप्यूटर की भाषा में जब लिखेंगे तो ग्यारह लिखेगा तब वो तीन होगा। एक लिखिए तो एक होगा। चार लिखने के लिए बारह नहीं होता, इसमें दो का अंक नहीं होता, जीरो होगा नहीं तो एक होगा, जीरो बिट या वन बिट।
चार लिखने के लिए 100 लिखना पड़ेगा, 100 लिखेगा तो चार हो जाएगा। आठ लिखना है, 1000 लिखेगा तब आठ होगा। हाँ, जिस किताब का हाथ पे रखा हुआ था, किताब जिसमें हरमनो सर को दिए थे, किताब नहीं तुमको दिया, सब किताब तुम्हारे ही पास आ रहा है। अभी तो बोर्ड भी नहीं है क्या, आपको बोर्ड पे लिख के बताएंगे। जीरो या एक बीट बराबर बीट, ठीक है, और आठ बीट जीरो या एक बीट होता है और आठ बीट एक बाइट होता है। एट बीट इक्वल टू वन बाइट, आठ बीट बराबर होता है एक बाइट के, ठीक है, और 10 से 24 बाइट के बराबर होगा एक किलो बाइट। 10 से 24 बाइट हो जाएगा 1 किलो बाइट, और 10 से 24 किलो बाइट हो जाएगा। अरे केजी लिखो, केजी बी लिखो ना, केजी लिखो। और 10 से 24 मेगा बाइट हो जाएगा 1 गीगा बाइट, जीबी, तब जीबी बनता है, ठीक है। और उसके बाद 1 बिट 10 से 24 जीबी बराबर हो जाएगा 1 टेरा बाइट, टेरा नहीं तेरा भाई, यानी टीबी, और टीबी हो जाए तो फिर बीमारी नहीं सकते है ना, टीबी बीमारी नहीं है, तेरा भाई। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ डेली सीखते रहेंगे, लेकिन जब भी अब क्लास अटेंड कीजिएगा, बोर्ड वाला क्लास रखिएगा, लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। बाइट वगैरह लिखना था, ठीक है, घर में या जो लोग को परेशान करना परेशान कर सकते, कंप्यूटर की भाषा में 0 0 होता है, एक तरफ लिखिए अपनी भाषा, बीच में बाइट पढ़िए, बस कॉपी पे ऑप्शन है हल से, हाँ, कॉपी के पीछे पीछे लाइन पढ़िए, सीधा नहीं हो रहा है तो कॉपी को आधा मोड़ो, अच्छी से लो, फाड़ नहीं लेना, हाँ। एक तरफ लिखो इंसान की भाषा, यानी कि मानव की भाषा या अपनी भाषा, अपनी भाषा लिख लो, अपनी भाषा लिखो ना, अपनी भाषा, अपनी भाषा, ठीक है। और दूसरे तरफ लिखो कंप्यूटर की भाषा, अपनी भाषा में लिखो 0 0, ठीक है, कंप्यूटर वाला में भी 0 लिखो सर, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर 0, तो फिर एकाच का ना 0, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा जहाँ लिखे हो 0, वहाँ पर लिखो 1 बिट, 0 के बाद 1 बिट, नहीं 0 को भी 1 बिट बोलते हैं, ठीक है। अब अपनी भाषा में लिखते हो नीचे नीचे नीचे, हाँ, ठीक है। अब उसके सामने कंप्यूटर की भाषा में लिखिए 1, ठीक है, इसको भी 1 बिट ही बोलते हैं, 0 भी होगा तो 1 बिट होगा, 1 भी होगा तो 1 बिट होगा, यही इसमें कंफ्यूजन होता है। 0 हम लोग बोलते हैं, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें 0 का भी मतलब होता है, ठीक है।
अब ऑन हो गया, अब अपनी भावना में अपनी भाषा में 4, कंप्यूटर की भाषा में 100, अपनी भाषा में 5, कंप्यूटर की भाषा में 101, अपनी भाषा 6, कंप्यूटर की भाषा 110, 7 लिखिए, कंप्यूटर की भाषा में लिखिए 111, 111 लिखिए, अपनी भाषा 8, कंप्यूटर भाषा 1000, ठीक है, अपनी भाषा 9, कंप्यूटर भाषा, वाह समझ में आ गया, 1001, ठीक है, 10 का कितना होगा, 11 का, लिख के तो दिखाओ पहले, इतना नहीं होगा, 101 चाहिए, इसमें भी एक दस एक किलो ज़्यादा लिखते हो, अब 11 का बताओ कितना होगा, हो गया 12 का 1100, 12 का होगा कितना 1100, बारह का होगा 1100, 13 का 13 का 11 का कितना लिखते हो, 11 नहीं हो रहा, 10 में लिखो, 10 11, इतना इसमें 11 में 11 वो सही है तुम्हारा, तेरा कितना होगा, 1101, 1101 लिखो, 11001, 14 का बोलो, तुम बोलो ना, मैं क्या बोलूँ, 16 का बताओ कितना होगा, 12 नहीं होता है ना इसमें, 12 नहीं होता तो होगा 10000, 2000, 10000, 1 से 4 रुपये, ठीक है समझ में आया, 17 का समझ में आ गया ना, अब अगले क्लास में 2 साल तक बना के लेकर एक हफ्ते का टाइम है, बन जाएगा ना, अब आज का इसमें समाप्त कीजिए, किताब है ना, किताब पढ़ चाहिए, किताब पढ़िए, उसमें जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिए।